होगी अस्करी की। और भी मैं एटीएम में गया हूँ तो वहाँ भी कचरे बेहतर होता है, मगर वही वाली बात है कि कहते हैं कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, तो एक एटीएम जो है उसका अगर मैं बात करूँ तो वो हमेशा से यहाँ इसका मसला रहता ही है। तो मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ एटीएम की हालत। अभी अंदर जो है क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं जो कि एटीएम में गए हुए हैं, सबको देर लग रही है, वरना पैसे निकालने में 5 से 7 हज़ार निकालने में टाइम लगता नहीं है और एटीएम में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी अंदर जाके कि कितना टाइम लग रहा है एटीएम में। और वरना नॉर्मली होता है कि आप डालते हैं एटीएम, पिन कोड डाला आपने और पैसे निकले और हो गया मामला। तो यहाँ जो एटीएम है अस्करी बैंक का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और बहुत ही ज़्यादा हैंग हो रहा है। यहाँ टिप और ट्रिक्स आपको ये है कि जब भी आपके पास पैसे निकले, कभी फटा हुआ पैसा नोट निकले, कभी कोई मिस प्रिंटिंग निकले, तो कोशिश किया करें कि जैसे पैसे निकलें फ़ौरन आप कैमरे में जाएं, कैमरे में जाके दिखाएं नोट को कि नोट फटा हुआ निकला हुआ है या कटा हुआ निकला हुआ है, मिस प्रिंटिंग है, ताकि कल को आप फिर दोबारा ब्रांच में जाएं तो बता सकते हैं। और यहाँ एक ये भी चीज़ है कि आप जब भी कोई भी एटीएम पैसे निकलवाएं तो कोशिश करें जो एटीएम आपके पास इस बैंक का है उसी बैंक में जाके आप निकलवाएं, ताकि आप फ़ौरन जो है उसी ब्रांच में जाके बता सकें भाई ये 5,000 का नोट निकला है, इसमें मसला है। और कोशिश किया करें कि जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें पैसे निकलवाएं। उसमें होता ये है कि आप जब जाके फ़ौरन पैसे निकलते हैं ना, फ़ौरन क्लेम कर सकते। फ़ौरन में एटीएम में गया और मैं जाके बोला कि आपने जो है ये पैसे आपकी मशीन ने गलत दिए। तो मैं आपको अगेन दिखाता हूँ अंदर जाके कि क्या हालत है अस्करी बैंक के एटीएम की। और अस्करी बैंक पैसा वर्ल्ड तो अच्छा बैंक है, मगर एटीएम अगर अच्छा ना हो किसी भी बैंक का तो बड़ा मसला होता है। तो यहाँ वीडियो बनाने का मकसद किसी बैंक की तस्वीर करना नहीं है। यहाँ से वर्ष एक तनकीद भरा इसला है कि अगर किसी ब्रांच में ऐसा मसला है तो देखिए मैं ब्रांच मैनेजर के पास ही जा नहीं सकता, सही है। तो मैं जो एक लाइव चीज़ है उसमें मैं रिकॉर्ड में ला सकता हूँ कि ताकि जो भी अपर मैनेजमेंट है वो हाथ के हाथ खुद देख ले, और फिर मैं ईमेल करूँ, फिर मैं अपना ईमेल के अलावा जो है मैं वो करूँ अपना व्हाट्सएप करूँ या मैं नुमाइंदे को कॉल करूँ, वो फिर भी कंप्लेंट लॉन्च करें। तो मेरा काम है बताना कि अगर कोई भी लाइव वीडियो देख रहा है और अस्करी बैंक जाना चाह रहा है इस एटीएम में, तो यहाँ के बदले किसी और ब्रांच की एटीएम में चले जाए, क्योंकि यहाँ जो है वो एटीएम प्रॉपर नहीं चल पा रहा और पैसे निकल तो रहे हैं मगर टाइम लग रहा है। जिसको सफोकेशन का मसला है, साइनस का प्रॉब्लम है, तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो फॉरन एटीएम के अंदर जाए, क्योंकि यहाँ एसी नहीं चल रहा। और एसी ना चलने का मकसद है कि जो है वो कोई बड़ा मामला ना हो। तो ये एक चीज़ है। मैं इन कराची की करीमाबाद के मैं एटीएम की तरफ हूँ जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेन करीमाबाद का अस्करी बैंक का एटीएम जिसकी बात आपको बता रहा हूँ। और वैसे ही यहाँ को मेंटेन रखना चाहिए एटीएम को, क्योंकि यहाँ मिट्टी का काम बहुत हो रहा है। जब मिट्टी का काम है तो उसमें मसले मसाइल हो ही जाते हैं। खैर ये है, देखिए अभी दूसरा अंदर लोग गए हैं मगर वो निकल नहीं पा रहे क्योंकि एटीएम बहुत मसला कर रहा है, टाइम लगा रहा है। वरना मैं आपको अभी दिखाता अंदर, अभी मेरे सामने पहले गए थे, अभी दूसरे गए तो उनको बहुत टाइम लगा, तो मैं अभी जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि क्या मामला है। मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ एटीएम का मामला। ये एटीएम है, ये मैंने खोला और आप देख रहे हैं एसी बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल भी एसी नहीं चल रहा। और जब एसी नहीं चलेगा तो सफोकेशन कितनी रहेगी, गंदगी आप देख सकते हैं, फर्श बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ। अब मैं जो हूँ एटीएम डालता हूँ, वो दिखाते हैं कितना टाइम लगा रहा है। एटीएम डाला और एटीएम डाल के अब ये इस पर चले गया, और जाने के बाद फ़ौरन जो है वो नहीं आ रहा, वरना फ़ौरन जो है अपना आता है आपका जो है ना पिन कोड वाला मामला, फ़ौरन पिन कोड नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम लगा रही।
अब मुझे बताएं कि ऐसे टाइम में जहाँ एसी नहीं चल रहा और यहाँ इतना टाइम लगाएगा ही, तो ऐसी सूरत में